नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेलवे कर्मचारी को जो पेनल्टी यानी कि गलती करने पर जो दंड मिलता है वो दंड कैसे मिलता है और क्या क्या दंड मिल सकता है। और दोस्तों, आज जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए तो वीडियो खास है ही, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में आने की इच्छा रखते हैं, रेलवे कर्मचारी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है डर, ठीक है, डर नाम ही है इस टॉपिक का, डर। तो टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको आज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रेलवे में जो चार्जशीट मिलता है उसके बारे में। तो रेलवे कर्मचारी अगर कोई गलती करता है काम करने में या किसी भी प्रशासनिक प्रशासन में कोई गलती करता है, कोई भी कर्मचारी रेलवे का हो, अगर वह गलती करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या दंड दिया जाता है। तो उस दंड को क्या बोलते हैं, चार्जशीट के माध्यम से उस दंड को, रेलवे में चार्जशीट के माध्यम से उस दंड को दिया जाता है लिखित में, ठीक है। अब रेलवे में जो है सो दंड जो होता है, जो चार्जशीट होता है, चार्जशीट उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका जो लेटर का जो एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि SF। और SF जो होता है इसका 11 फॉर्मेट है, ठीक है। बेसिकली SF जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, वह 11 प्रकार का होता है, 1 से लेकर के 11 तक। लेकिन यहाँ पर आपको सब फॉर्म भी मिल जाएगा, जैसे कि 11 का ए, 11 का बी, 11 का सी, इस प्रकार से भी 11 के अंदर में भी 3-4 फॉर्म होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत सारे रेलवे में SF यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं चार्जशीट के, ठीक है। ये चार्जशीट कब मिलता है, जब रेलवे कर्मचारी कोई गलती करता है। अब ये SF जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसके अनुसार रेलवे कर्मचारी को दो प्रकार का पेनल्टी दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी को SF यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी चार्जशीट के अनुसार दो प्रकार की पेनल्टी होती है, दो प्रकार का दंड दिया जाता है। एक तो होता है माइनर पेनल्टी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि छोटा सा दंड उसको मिलता है, और एक होता है मेजर यानी कि बहुत बड़ा दंड मिलता है, मेजर पेनल्टी। तो माइनर पेनल्टी में बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, लेकिन रेलवे में ये प्रचलन है, प्रैक्टिस में है कि इसमें SF-11 दिया जाता है। SF-11 का जो फॉर्मेट है वो माइनर पेनल्टी में दिया जाता है, और मेजर पेनल्टी में SF-5 दिया जाता है रेलवे में। और ये माइनर पेनल्टी यानी कि छोटा सा दंड है उसको लोअर अथॉरिटी देता है, और मेजर पेनल्टी को हायर अथॉरिटी, मेजर पेनल्टी में SF-5 जो है सो हायर अथॉरिटी देता है। अब माइनर पेनल्टी में कौन कौन से दंड मिल सकते हैं उस पर हम लोग देखते हैं। तो माइनर पेनल्टी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट नंबर पे है निंदा, यानी कि कोई आपसे हायर अथॉरिटी है, आपका ऑफिसर है, वो क्या आपको डांटेगा, फटकारेगा, निंदा करेगा, और यह निंदा जो है या तो लेटर के रूप में दे सकता है या लिखित रूप में, या निंदा को वह वर्बली यानी कि बोल करके भी निंदा कर सकता है, यानी कि वो वार्निंग दे सकता है कि आप ऐसी गलती मत करो नहीं तो आपको चार्जशीट दे दिया जाएगा। तो अगर आपने वार्निंग लेटर में समझ गया तो ठीक है, नहीं अगर आगे भी आप गलती करते रहेंगे तो आपको ये जितने पेनल्टी है उसमें से कोई एक आपको दे दिया जाएगा, एक या साथ साथ दो भी आपको मिल सकता है। तो सेकेंड नंबर पे है निश्चित समय के लिए आपकी पदोन्नति पर रोक लग जाएगा, यानी कि आपका जो प्रमोशन है वह किसी निश्चित पीरियड के लिए आपको रोक दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो सीनियर लिस्ट है उसमें आपका नाम नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी और तीसरे नंबर पे है कर्मचारी के द्वारा किया गया रेलवे की हानि की भरपाई। जैसे कोई कर्मचारी है, मान लेते हैं कि आप बुकिंग क्लर्क हैं, ठीक है, तो बुकिंग क्लर्क में पैसे की गिनती करना रखना पड़ता है, तो उस गिनती में अगर आप मिस्टेक करते हैं, अगर इससे रेलवे को हानि हो रही है तो आप जो रेलवे को हानि हुई वो उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा, ये भी आता है माइनर पेनल्टी में, ठीक है। चौथे नंबर पे है निश्चित पीरियड के लिए पास PTO पर रोक। ये निश्चित पीरियड के लिए आपको जो प्रिविलेज पास मिलता है, सुविधा पास मिलता है, घर जाने के लिए टिकट कटाने के लिए, उस पर रोक लग जाएगा एक निश्चित पीरियड के लिए, या आपको जो PTO मिलता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, उस पर भी आपको निश्चित समय के लिए रोक लग जाएगा। या तो पास पर रोक लगेगा या PTO पर, या दोनों पर साथ में रोक लग सकता है,
ठीक है, ये आता है माइनर पेनल्टी में। एक निश्चित समय के लिए आपका इंक्रीमेंट पर रोक लग जाएगा, जो इंक्रीमेंट है साल में आपको एक साल में एक बार 3% रेलवे में इंक्रीमेंट होता है, तो वो आपको एक पीरियड के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, एक पीरियड के लिए यानी कि एक साल के लिए इसमें माइनर पेनल्टी में आपको एक साल के लिए ये रोका जाता है आपका इंक्रीमेंट। इसमें इंक्रीमेंट रोकने में दो टाइप का होता है, एक होता है विथ फ्यूचर लॉस, एक होता है विदाउट फ्यूचर लॉस। तो विथ फ्यूचर लॉस में क्या होता है कि आपका जो इंक्रीमेंट एक साल के लिए रुका वो आपको लाइफ टाइम रुका रह जाएगा, और विदाउट फ्यूचर लॉस में क्या होता है कि आपका जो एक साल के लिए रोका गया था वो आपको नेक्स्ट पीरियड में मिल जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, लेकिन आपको एरियर नहीं मिलेगा। अब आगे है, पे स्केल को लोअर किया जाएगा मैक्सिमम 3 साल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है माइनर पेनल्टी में। पे स्केल जैसे मान लीजिए आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, तो आपका जो पे स्केल है वो 2800 कर दिया जाएगा या उससे भी कम किया जा सकता है। ठीक है, वो मैक्सिमम आपका 3 साल के लिए, उससे ज़्यादा माइनर पेनल्टी में नहीं कर सकते हैं। तो ये माइनर पेनल्टी हो गया, माइनर पेनल्टी में आपको इतना सारा दंड मिल सकता है। अब है मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी में मुख्य रूप से SF5 दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 पर आपको पेनल्टी का लेटर दिया जाएगा, और इसमें क्या होता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है। मेजर पेनल्टी में आपका कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है। ठीक है, अब रिमूवल फ्रॉम सर्विस, आपको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा मेजर पेनल्टी में, और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, आपको तीनों सेम लग रहा होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल। तो रिमूवल और डिसमिसल में क्या डिफरेंस है मेन रूप से कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस में आप सर्विस में दोबारा आ सकते हैं, अगर आपने केस किया तो आपको सर्विस में दोबारा लिया जा सकता है अगर रेलवे केस हार गई तो, और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में आपको दोबारा किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब है अनिश्चित काल के लिए इंक्रीमेंट पर रोक। माइनर पेनल्टी में क्या था कि आपको निश्चित समय के लिए एक साल एक पीरियड के लिए इंक्रीमेंट पर रोक था, लेकिन इसमें क्या है कि अगले आदेश तक, जब तक कि अगला आदेश उसको आप लिखित में जवाब नहीं दे पाएंगे जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तब तक आपको इंक्रीमेंट पर रोक लगा रहेगा। पे स्केल को लोअर किया जाएगा, 3 साल से ज़्यादा के लिए भी लोअर किया जा सकता है पे स्केल को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको चार्जशीट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, और ये डर जो है, डर इसका क्या मतलब होता है, डर का मतलब होता है डिसिप्लिन अपील रूल, 1968 में ये बना था डिसिप्लिन अपील रूल। इसी के अंदर में सारा पेनल्टीज़ आता है, बहुत सारे इसके अंदर रूल हैं। तो रेलवे में तो हज़ारों रूल है, लेकिन कुछ रूल मुख्य हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारा की समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और मैं आगे कि अब माइनर पेनल्टी, आपकी कौन सी गलती करने पर आपको माइनर पेनल्टी दिया जाएगा, आपकी कौन सी गलती करने पर मेजर पेनल्टी दिया जाएगा, और अगर आपको SF11 मिल गया तो आपको लेटर में क्या क्या लिखना चाहिए, आपको कैसा लेटर लिखना है, और अगर मेजर पेनल्टी यानी कि SF5 आपको दे दिया गया है तो SF5 में आपको क्या क्या, SF5 का जो जवाब मांगता है लेटर लिखित में, तो आप में आपको उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, अगर उस पर भी आप वीडियो चाहते हैं, और भी बहुत सारी रेलवे की जानकारी के लिए आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आपको किस टाइप का वीडियो यानी कि किस जानकारी के लिए, किस इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे में, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक फुल कोर्स लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग का वो फुल कोर्स होगा, और साइंस का, मैथ रीजनिंग और साइंस, उसमें जैसे आपको ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल से, उसके लिए आपके लिए मैथ रीजनिंग और साइंस, तो तीनों का आपके लिए फुल कोर्स लेकर आया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में सारा चीज़ कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश की सेवा करते रहिए, रेलवे की सेवा करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।